सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखोगे, ये हैं मूली की सीडलिंग्स। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं दिखाऊंगी जहाँ पे मैंने जर्मिनेट किया हुआ है इनको, बट मैं भूल गई थी दिखाना। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाने वाली हूँ। उसके साथ साथ हम कुछ सीड्स भी लगाएंगे आज, और कुछ चेंजेस यहाँ पे मैंने किए हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड उसके साथ साथ आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। और आप अपने सजेशंस या फिर आप कुछ भी अगर मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो ये आप देखोगे कि ये जो हमारे पास सीड्स हैं, ये हैं देसी मूली के सीड्स, और ये हमारे हैं हाइब्रिड सीड्स। ये लास्ट ईयर के सेव किए हुए थे और काफ़ी मैंने डाले थे, बट उसमें से ये आप सीड की जर्मिनेशन देख रहे हो। बट ये सीड्स बहुत अच्छे थे, एक एक सीड जर्मिनेट हुआ था। ये लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं, और अभी भी मुझे 80% जर्मिनेशन दिख रही है जितने सीड्स मैंने डाले थे। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे सीड्स पहले हमने डाले, बट वो बारिश की वजह से एकदम ख़राब हो गई थी सीडलिंग। उसके बाद मैंने दोबारा सीड्स डाले और अब ये रिज़ल्ट आपके सामने है। थोड़ा सा आपको ये लैगी नज़र आ रहे होंगे, ये होता है जब इनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती, या किसी भी सीडलिंग को वो लैगी तभी होती है जब उसको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती, और फिर वो सनलाइट लेने के लिए ऐसे वो ड्रैग होती हुई जाती है सनलाइट की तरफ, इसलिए फिर वो लंबी लंबी हो जाती हैं। मैं यहाँ पे अभी क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें से जो एक्सेस हो रही है मतलब इनकी थिनिंग कर दूंगी। जैसे तीन तीन सीड्स एक ही जगह पे जर्मिनेट हो रहे हैं तो उसमें से कुछ को निकाल देंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे मिट्टी को फिल कर देंगे ताकि ये जो यहाँ से ये अब मूली बनेगी ये पत्तों के नीचे से, तो ये चीज़ जो है इसकी मिट्टी में चली जाए इस तरीके से। चलिए थिनिंग का काम मैं अभी कर लेती हूँ आप लोगों के साथ साथ जैसे कि मैं बात कर रही हूँ। मूली को वैसे हम जब थिनिंग करके निकालते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने निकाली इसको, अगर आप कहीं और लगाएंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। मैंने किया है इसको लास्ट टाइम ट्राई, तो ऑब्वियसली उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, बट हाँ लीव्स वगैरह बन सकती हैं तो आप कोशिश कर सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो, क्योंकि इसने निकलना तो यहीं से होता है। इसकी सीध इसकी जो मूली बनती है वो यहीं से बनती है, तो यही चीज़ अगर हम रूट इसकी डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर वो रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ये भी सीड्स अच्छे निकले, तीन तीन मैंने जितने सीड्स डाले थे तो ऐसे लग रहा है कि सारे ही सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो गए हैं। फ्रेंड्स, अभी जैसे सर्दियां आ रही हैं, विंटर्स में काफ़ी सारी हम रूट्स वाली वेजिटेबल लगाते हैं, जैसे कि ये मूली आप देख रहे हो, गाजर हो गई, शलगम हो गई, बीट रूट्स, देन इस तरीके की वेजिटेबल्स हम जब लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो मिट्टी बना रहे हैं उसकी काफ़ी पोरस बनाएं, और इस तरीके की बनाएं ताकि उसमें ड्रेनेज अच्छी हो सके। उसके लिए बेस्ट है आप या तो थोड़ी सी सैंड मिला लीजिए अपनी उसमें रेत में, अपनी मिट्टी में, सॉरी अपने जो आप सॉइल मिक्स बनाएंगे उसमें 10% के आसपास आप रेत मिला लो तो आपकी काफ़ी अच्छी ये हो जाएंगी, नीचे जो उसमें रूट बनती है, कंद बनता है, वो काफ़ी अच्छा बनेगा, उसको फैलने के लिए प्रॉपर जगह मिलेगी इस तरीके से। या फिर आप थोड़ी सी कोकोपीट मिला सकते हो, उससे क्या होगा कि मॉइस्चर भी होल्ड करके रखेंगी वो, और आपको बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, देन साथ में आपकी जो मिट्टी है वो भी पोरस बनी रहेगी। तो वो आपके ऊपर है आप क्या उसमें ऐड करना चाहते हैं अपनी मिट्टी में। ये बहुत कोमल है ये, तो इसलिए मैं काफ़ी ध्यान से इनको निकाल रही हूँ। ओके, तो काफ़ी हद तक मैंने निकाल दी है और 5 to 7 ही अभी रह गई हैं इसमें, और ये जो हमने निकाली हैं इनको हम एज अ माइक्रोग्रीन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल रेडी टू ईट है, और माइक्रोग्रीन्स जो हैं वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। सर्दियों का मौसम काफ़ी अच्छा होता है माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए भी, उस पर भी मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी इसमें आप देखोगे, अब मुझे बस इसमें मिट्टी फिल करनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने मिट्टी चढ़ा दी है, और अभी तो आपको ये थोड़ा सा अभी लैगी दिख रही है, बट जैसे ही इनकी जो रूट है, जैसे कि मतलब मूली बननी स्टार्ट होगी इसमें, तो ये अपने आप ही इनका बेस स्ट्रांग हो जाएगा और फिर ये ऊपर की तरफ जो है स्टैंड हो जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास जो भिंडी के पौधे हैं इनको मैं हटा रही हूँ धीरे धीरे करके, दो तीन मैंने हटा लिए हैं और दो तीन मैं अब हटाने वाली हूँ। इसमें अब सीड्स बन रहे हैं तो बस हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर इनको मैं हटा दूँगी। और फिर अब मौसम चेंज हो गया, दो दिन से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है जैसे मॉर्निंग में, एंड इसके साथ ही हम अपने सीड्स डाल सकते हैं सर्दियों की वेजिटेबल्स के, जैसे कि शलगम हो गई, देन गाजर तो अभी थोड़ा सा और रुक के डालेंगे, मेथी थोड़ा सा और रुक जाएंगे 10 दिन के आसपास, 10 दिन, और उसके साथ साथ हम गोभी डाल सकते हैं। वैसे तो ब्रोकली वगैरह मैंने डाली थी, सीडलिंग लगा चुकी हूँ मैं, बट स्टिल कॉलीफ्लावर के सीड्स जो थे वो जर्मिनेट नहीं हुए, तो मैं फिर से लगाने वाली हूँ।
बिहाइंड द सीन्स काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, मैंने आप लोगों को शेयर किया था लास्ट वीडियो में। तो गार्डनिंग का काम ऐसे ही होता है, बहुत मैसी हो जाता है जब हम ये सारी चीज़ें शिफ्ट कर रहे होते हैं। काफ़ी सारी ट्रांसप्लांट्स चल रही हैं यहाँ पे, ये आप देखोगे कि सॉन्ग ऑफ इंडिया ये कटिंग से रेडी किया हुआ है और इसको मैंने एक नया पॉट दे दिया है। ये वैसे 4 इंच के छोटे से मिट्टी के पॉट में था, बट अब मैंने इसका पॉट चेंज किया है, वो उस वाले पॉट में था, छोटे वाले में। उसके बाद ये मोरिंगा का प्लांट, दूसरा वाला। आपको पता है कि 2 प्लांट्स हमारे पास थे यहाँ पे, बड़े वाले में तो अगेन फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से। ये देखो, पहले इसकी फ्लावरिंग ख़राब हो गई थी एक्सेस वाटरिंग की वजह से, और कुछ माइट्स भी लगी थी इसमें, बट इसमें दोबारा फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और दूसरे प्लांट को भी मैंने ये ग्रो बैग में डाल दिया है और इसमें भी अब न्यू ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। चिलीज़ के काफ़ी सारे पौधे मैंने हटा दिए हैं, जैसा कि आप देखोगे 2-3 पौधे अभी भी रहते हैं, उनको नहीं हटाऊंगी क्योंकि उसमें अभी चिलीज़ लग रही हैं। उसके साथ ये पपाया का प्लांट, ये भी मैंने एक बड़े 21x21 इंच के ग्रो बैग में डाल दिया है और आई होप कि अब इसमें जल्दी से बढ़ेगा। हालांकि इसकी ग्रोथ ठीक थी, बट 2 प्लांट्स थे ये, एक ही रह गया। अब ये देखते हैं इसमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, ये तो वॉलंटरीली उगा हुआ है बट स्टिल मैंने इसको इसमें डाल दिया है। ये बात पक्की है कि इसको एक्सेस वाटरिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत जल्दी इसकी लीव्स जो हैं फिर वो ड्राई होकर गिरने लगती हैं, मतलब पीली पड़ने लग जाती हैं। देन यहाँ पे हमारे पास ये देखो, मैंने ये दोनों शिफ्ट कर दिए हैं अपने ट्यूब रोज़। उसके बाद ये हमारे पास इलोसिया, जिसमें कि फ्लावरिंग होने लगी है। ये देखो, ये हमने सीड से लगाया था, और ये हमने सीड से लगाया था ये गर्मियों में इनफैक्ट, और अब जाके इसमें फ्लावरिंग हो रही है। एक ही प्लांट ही सर्वाइव कर पाया था। टर्टल वाइन मैंने सारी निकाल दी है, बस 1-2 पौधे हैं जो इस तरीके के छोटे छोटे बैग्स में लगे हुए हैं, वो मैंने रहने दिए हैं। जो छोटे एक नारियल का जो शेल होता है उसमें भी है, वो भी मैंने रहने दिए, और जब इसका सीज़न आएगा हम फिर इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखो, यहाँ पे ये कॉक्सकॉम्ब है, आई थिंक ये सिलोसिया या कॉक्सकॉम्ब, क्योंकि इसकी शेप से तो मुझे कॉक्सकॉम्ब लग रहा है। इसको भी मैंने पॉट चेंज किया है, और छोटे से पॉट में था ये, अब मैंने इसको बड़े पॉट में डाल दिया है। इस चक्कर में यहाँ पे एक पॉट देखो टूट भी गया, इसमें हमारे टोमेटोज लगे थे, चेरी टोमेटोज, वो पॉट्स मैंने खाली करके अब उनमें नए नए प्लांट्स जो हैं वो शिफ्ट कर दिए। काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने यहाँ मैरीगोल्ड की लगा ली हैं, ये भी अगेन ये इस छोटे से पॉट में थी। ये देखो, ये बड़ा सा प्लांट था, इसमें अभी और भी बहुत सारी कटिंग्स बन सकती हैं बट मेरे पास उतनी स्पेस भी नहीं है। ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया, मेरा हिबिस्कस है जो कि अगेन छोटे से कंटेनर में था, जो कि हम फूड ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन उसके जो कंटेनर आते हैं उसमें था। तो अब मैंने ये कटिंग से रेडी किया हुआ इसको इसमें डाल दिया है, और इसके साथ साथ अभी स्पेस खाली है तो मैंने यहाँ पर कटिंग्स लगा दी हैं। अगेन इसी से काफ़ी सारी कटिंग्स ली मैंने मैरीगोल्ड की, और इसमें देखो बडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। देखो, तो इसमें भी मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा दिए मैरीगोल्ड के, अभी तो आने वाले दिनों में आपको मैरीगोल्ड यहाँ पे नज़र आएंगे ज़्यादातर। हालांकि सर्दियों के और भी फ्लावर्स हैं बट ये बहुत जल्दी अब तैयार हो रहे हैं। सर्दियों के बाकी फ्लावर्स अभी ऐसा कोई रेडी नहीं है, बट हाँ ये तैयार होने वाले हैं। यहाँ से भी एक चिली का पौधा मैंने निकाल दिया, और वो बेड आप देखोगे कि मैंने रेडी कर दिया पूरा। उसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट ऐड की, थोड़ी सी कोकोपीट, उसके अलावा कुछ ऐड नहीं किया। उसके साथ साथ ये 2 पॉट्स आप देख रहे हो, ये मैंने लेके आई थी जो इसका हॉल वीडियो शेयर किया था अपने दूसरे चैनल लाइफस्टाइल ब्लॉगर पूजा पे, तो उसमें मैं डेली लाइफ व्लॉग्स लेके आती हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप उस चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने बेजिल यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, साथ में लेमन ग्रास जो आपने देखा होगा पिछले दिनों सूख रही थी, एक पॉली बैग में थी, इनफैक्ट एक ग्रो बैग में, बट ये फट गया था वो ग्रो बैग, तो मैंने चेंज कर दिया है इन दोनों पॉट्स को। बेजिल मैंने एक पॉट में कर दिए, इसके अलावा उसे मैं और किसी पॉट में नहीं डालने वाली हूँ। अगर करूँगी भी तो एक छोटे से पॉट में ही डालने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा फैलती इधर उधर। और ये हमारे पास बैंगन, जिनकी हमने हार्ड प्रूनिंग की थी और काफ़ी अच्छी इन्होंने अब शूट्स ले ली हैं। उसके साथ साथ हमारी राई यहाँ पर उगती हुई, या देखो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, ये जल्दी से इसे हार्वेस्ट करना पड़ेगा हमको, नहीं तो ये पेस्ट लग जाएगी इसमें। वो ग्रीन वाली पेस्ट भी लगती है इस सीज़न में, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है तो ग्रीन लीव्स हम जब भी लगाते हैं उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो पेस्ट, अगर आपकी लीव्स ऐसे खा रही हो, तो आप वो ध्यान दीजिएगा कि कहीं पर भी आपने अगर उसका नोट किया कि यहाँ पर किसी लीव को खाया है, तो आप उसी के आसपास चेक करना। अर्ली मॉर्निंग आके आप चेक करोगे तो आपको दिख जाएंगी पेस्ट, तो आप उसको हैंड रिमूवल कर सकते हो उनका, नहीं तो आप लेट नाइट भी अगर आप देखोगे तो भी मिल जाएगी। बट लेट नाइट से बेटर होता है कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप आके देखो सनराइज होने से पहले, तो जैसे उजाला हो जाता है मॉर्निंग का, तो तब आप देखोगे तो आपको पेस्ट मिल जाएंगी। उसके साथ साथ ये कैंप फायर देखो अब कितना सुंदर लगने लगा है, इसकी ब्यूटी निखर के आ रही है, लीव्स जो है इसकी रेड होने लगी है एजेस पे,
देखो बेल मैं इसकी बहुत सारी प्रोपगेशन कर सकती हूँ बट अभी फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, ये हमारे पास है मैक्सिकन पेटूनियस, इनको भी मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। फ़िलहाल मैंने इनको भी छोटे पॉट्स में ही डाला है, देखते हैं ये किस तरीके से ग्रो होते हैं। फिर आने वाले जब समर्स आएंगी तब मैं इनको ट्रांसप्लांट करूँगी। और इसके साथ ये वाला प्लांट, इसमें भी नई नई शूट्स आ रही हैं, ये देखो, ये देख रहे होंगे आप, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है इस तरीके से। और ये दूसरी शूट, ये तीसरी शूट, और ये काफ़ी सारी इस तरीके से आएंगे। मुझे नाम इसका अभी फिर भी याद नहीं है, अगर आप मुझे दोबारा से कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, पहले भी किसी ने किया था बट आई एम सॉरी मैं भूल गई और मुझे प्रॉपरली वो थोड़ा समझ भी नहीं आया, अगर आप अच्छे से लिख देंगे तो मुझे प्रॉपरली पता चल जाएगा इसका नेम क्या है। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सीड्स हम लगाएंगे बट सीड्स का वीडियो मैं नेक्स्ट शेयर करूंगी आप लोगों से, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर आप देखोगे नहीं। तो प्लीज़ इसको यहीं पे रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, 70% आर पीपल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और अगर आपको कुछ सीखने को भी मिलता है और अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को नोटिफिकेशन बेल के साथ, और कमेंट्स में आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।